तो गाइज आज हम लोग माइनक्राफ्ट का सबसे बेस्ट फार्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑटोमेटिक रेड फार्म। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक विलेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि स्नोई बायोम में नहीं होना चाहिए और इसके आसपास कोई विलेज वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस एरिया को जो है थोड़ा सा फ्लैट करना है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर ये जो ब्लॉक लगा कर इसको फ्लैट कर देते हैं एंड इस चेस्ट को भी हटा देते हैं। ओके, तो अभी ना हमें एक ग्लास पैन लगाना है यहाँ पर कुछ इस तरह से एक हाइट के ब्लॉक में और इसको जो है पूरी तरह से कवर कर देना है। तो गाइज इतना करने के बाद यहाँ पर ना एक पिलेजर स्पॉन होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ना हमें 100 ब्लॉक इस आउटपोस्ट से दूर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एक पिलेजर अपने आप ही स्पॉन हो जाएगा। ओके, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एक पिलेजर का लीडर जो है वो स्पॉन हो चुका है। तो अभी हमें सिंपली जो है इसे मार देना है, बट सबसे पहले इन सब ग्लास को जो है तोड़ देते हैं क्योंकि इनका भी कोई भी यूज़ नहीं है। ओके, तो गाइज ये जो पिलेजर है वो यहाँ पर स्पॉन हो रहा है, इसका मतलब कि जितने भी पिलेजर है सब यहीं पर स्पॉन होंगे। ठीक है, तो एक बारी हमें इसे वापस से मार देता हूँ। ओके, एंड अभी ना मैं वापस से 100 ब्लॉक दूर जाकर, एक सेकेंड, मैं वापस से 100 ब्लॉक दूर जाऊंगा एंड वापस आऊंगा, फिर देखते हैं कि प्लेजर जो है वो यहीं पर स्पॉन हो रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से प्लेजर स्पॉन हो गए, वो भी तीन तीन। ओके, तो अभी ना हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्लॉक लगा देने होंगे, तो फटाफट से हम यहाँ पर ब्लॉक लगा देते हैं। ओके, अब इन प्लेजर्स को मार देते हैं फटाफट से। ओके, तो गाइज इतना काम करने के बाद अभी ना हमें इस प्लेजर आउटपोस्ट को जो है वो तोड़ना पड़ेगा करीब यहाँ तक। ओके, इस लेवल तक जो हमें इसे पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो फटाफट से इसे तोड़ देते हैं। ओके, तो गाइज इतना काम करने के बाद अभी ना हमें नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमें 5 ब्लॉक लगाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये एक 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चेस्ट दे देना है यहाँ पर कुछ इस तरह से एंड उसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है एक हॉपर, इसके ऊपर रेल और इसके ऊपर एक माइनकार्ट विथ हॉपर। ठीक है, तो इतना करने के बाद अभी ना हमें सिंपली यहाँ पर जो है इसे ब्लॉक से ढक देना है कुछ इस तरह से। ओके, अब इतना होने के बाद हमें ना एक किलिंग मशीन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक पिस्टन रखना है यहाँ पर, एक पिस्टन रखना है यहाँ पर, एक पिस्टन रखना है यहाँ पर और एक पिस्टन रखना है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जर्वर हमें लगाने होंगे, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे। ओके, ऑब्जर्वर का जो फेस है वो बाहर की साइड होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, ये ब्लॉक तोड़ देना है। ओके, अब एक ऑब्जर्वर रखना है यहाँ पर, इसका भी फेस बाहर में है एंड लास्ट एक यहाँ पर, इसका भी फेस बाहर में है। अब हमें सिंपली यहाँ पर जो है एक रेडस्टोन लगा देना है, मतलब एक एक करके चारों साइड से। ओके ओके, तो ये किलिंग मशीन रेडी है। ठीक है, अभी हमें एक लीवर लगाना होगा यहाँ पर। ओके, तो फटाफट से एक लीवर भी लगा देते हैं, ये रहा लीवर, इसे लगा देना है यहाँ पर और इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, बाकी भाई ये बड़ा जल्दी स्पॉन हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक ट्राइडेंट जो है इसके अंदर फेंक देना है कुछ इस तरह से। बस ये अपना किलिंग मशीन जो है एकदम रेडी हो चुका है मस्त तरीके से। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ना दो दो ब्लॉक जो है ऊपर रखना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, तो फटाफट से जो है इसे कवर कर देते हैं एंड इतना होने के बाद अभी ना हमें ग्लास लेना है ये वाला और लीप्स लेना है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले लीप्स लगा देना है ऊपर में ताकि मॉब जो है यहाँ ऊपर स्पॉन ना हो जाए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना एक मैप लेना है। ठीक है, मैप लेने के बाद देखना है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो किस साइड है। तो अभी ना हमें साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब कि साउथ ईस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट हमारा ये है। ओके, तो इस डायरेक्शन में देखते हुए हमें क्या करना है, इन तीनों ब्लॉक को तोड़ देना है। ठीक है, ये नीचे में जो मैंने 4 ब्लॉक लगाए ना, इन तीनों ब्लॉक को तोड़ देना है और जो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उस ब्लॉक को छोड़ देना है। ओके, एंड एक ब्लॉक लगा देना है यहाँ पर ग्लास के। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली जो है इस तरह से ढक देना है एंड इसके ऊपर भी लगा देना है लीप्स कुछ इस तरह से। ओके, एंड हमारा काम जो है वो नीचे का कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अभी 30% काम हो चुका है एंड अभी 70% बाकी है। तो गाइज अभी ना हमें इसका फोल्डिंग लेना है। ठीक है, एंड इसको जो है यहाँ तक लगाना है। ओके, ये जो आप
वुड प्लैंक देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ तक जो है हमें इसका होल्डिंग लगाना है कुछ इस तरह से। ओके, तो इतना काम होने के बाद अभी ना हमें टोटल 32 हाइट तक जाना है। ओके, तो फटाफट से जो है 32 हाइट तक और इसको लगाते जाते हैं। ओके, तो अभी 32 हाइट तक आ चुके हैं एंड अभी चारों साइड से जो है टेम्प्रोरी लीफ लगा देते हैं। ओके, तो लीफ लगाने के बाद अभी हमें करना क्या है, हमने स्टार्टिंग में जो चार ब्लॉक दिए थे ना यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हमने चार ब्लॉक दिए थे ना, ठीक जस्ट इसके ऊपर जो है हमें ऊपर भी जो है चार ब्लॉक इसी तरह से देते जाना है। ओके, मतलब कि हमारा जो चार ब्लॉक देना है वो यहाँ से देना है। ओके, 1, 2, 3 and 4। ओके, तो इतना होने के बाद अभी जो है हमें एक एक ब्लॉक जो है इसे बढ़ा देना है हर साइड से। ओके, फटाफट से जो है एक एक ब्लॉक बढ़ा देते हैं। अब ना गाइज हमें यहाँ पर वापस से जो है एक किलिंग मशीन बना देना है, तो फटाफट से जो है एक किलिंग मशीन भी बना देते हैं। ओके, तो गाइज इतना करने के बाद अभी ना हमें एक एक ब्लॉक जो है यहाँ पर लगाते जाना है इसके ऊपर कुछ इस तरह से। तो फटाफट से जो है यहाँ पर इसी तरह से एक एक ब्लॉक लगा देते हैं। ओके, तो इतना होने के बाद अभी ना हमें एक लेयर जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है। तो फटाफट से जो है चारों साइड से इसे एक एक लेयर एक्सपेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो गाइज इतना करने के बाद अभी ना हमें 17 ब्लॉक ऊपर जाना है, ठीक है, एंड ये पूरा ये जितना भी आपको ब्लॉक्स दिख रहा है ना इसको सब तरफ से 17 ब्लॉक ऊपर की तरफ ले जाना है कुछ इस तरह से। 1, 2, 3, 16 and 17। तो गाइज इतने हाइट तक जो है इन सब को फिल कर देते जाना है। तो गाइज इतना काम करने के बाद अभी ना हमें चारों साइड को जो है 6 ब्लॉक से एक्सपेंड करना है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चारों साइड में हमें यही करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अभी ना गाइज इसको पूरी तरह से जो है फिल कर देते हैं। तो गाइज इतना काम करने के बाद अभी ना हमें एक बाउंड्री देना पड़ेगा जिसका जो हाइट है वो 4 रहेगा। ओके, तो ये हो गया 4 हाइट एंड याद रखना है कि इसको जो है एक ब्लॉक के गैप में देना है, ठीक है। तो इसको फटाफट से जो है इस वॉल को कवर कर देते हैं। तो गाइज इतना काम करने के बाद अभी ना हमें चारों कॉर्नर पे एक एक ब्लॉक दे देना है कुछ इस तरह से। ओके, एंड अभी यहाँ पर जो है हमें पानी देना होगा, ठीक है। तो पानी देने वक्त ध्यान रखना है कि आपको जो है इस ब्लॉक में पानी नहीं देना है। ओके, यानी कि आपको इस ब्लॉक में पानी देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह फटाफट से जो है सब तरफ पानी दे देते हैं एंड याद रखना है इस ब्लॉक के बगल में जो है वहाँ पर पानी नहीं देना है, ठीक है। इस ब्लॉक के जस्ट बगल वाले में पानी नहीं देना है, बाकी सब में पानी फिल कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, तो पानी देने के बाद अभी ना हमें इसके ऊपर लीव्स लगा देने हैं कुछ इस तरह से। तो फटाफट से जो है इसे लीव लगा देते हैं। तो गाइज लीव लगाने के बाद अभी ना हमें एक मेन काम करना है जो कि सर्वाइवल में थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ओके, बट ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ से ना 12 ब्लॉक ऊपर जाना है, ठीक है। ओके, 1, 2, 3, 11 एंड ये हो गया 12। ओके, तो ये 12 हाइट है। तो अभी यहाँ पर दो ब्लॉक प्लेस करना है यहाँ पर एंड 3 ब्लॉक इस साइड में, 3 ब्लॉक इस साइड में, 2 यहाँ पर एंड 3 ब्लॉक इस साइड में। ओके, एंड ये नीचे का जो ब्लॉक है इसको वापस से हटा देना है क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। ओके, तो गाइज अभी हमें क्या करना है, अभी ना हमें यहाँ पर एक बेड प्लेस करना है जहाँ पर एक विलेजर रहेगा, ठीक है। तो आपको विलेजर सर्वाइवल में लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप चाहे तो रेल वगैरह यूज़ करके उसे यहाँ तक ला सकते हो। तो बस इसे यहाँ पर प्लेस कर देना है एंड यहाँ पर जो है एक ब्लॉक लगा देना है कुछ इस तरह से। बाकी इसे ना सबसे पहले सुलाना होगा, तो अभी दिन को रात में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो गाइस अभी रात हो चुका है एंड इसको ग्लास से कवर कर देते हैं एंड यहाँ पर वापस से लीव्स लगा देना है कुछ इस तरह से। एंड गाइस अभी ना बस एक लास्ट काम करना है एंड वो ये है कि यहाँ पर ना हमें चेस्ट वगैरह का सेटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ब्लॉक रखना है यहाँ पर एंड इस ब्लॉक को जो है इस साइड में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉर्चेस वगैरह लगा देते हैं
ओके तो अभी हमें यहाँ पर आना है एंड इस ब्लॉक को छोड़कर एक ब्लॉक है यहाँ पर, यानी कि हमें चेस्ट प्लेस करना है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर जो है दो चेस्ट प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से, एक हॉपर लगेगा यहाँ पर एंड देन दो चेस्ट प्लेस करना है यहाँ पर, देन इसके पीछे लगने वाला है एक हॉपर कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर लगने वाला है एक रेल, उसके ऊपर माइनकार्ट विथ हॉपर एंड इसको जो है चारों साइड से कवर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा इधर उधर घसक ना जाए। ओके बाकी यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं। ओके तो इतना काम होने के बाद हमारा ये जो फार्म है वो रेडी हो चुका है, बस हमें एक ट्राइडेंट जो है इसके अंदर फेंकना है जो कि मैंने नहीं फेंका। ओके तो इसके अंदर जाकर जो है एक ट्राइडेंट फेंक देना है कुछ इस तरह से एंड बस हमारा सारा काम जो है अभी हो चुका है। यहाँ पर ब्लॉक लगा देते हैं एंड आप चाहे तो यहाँ पर जो है स्लैब लगा सकते हो ताकि आपको एक्सपी वगैरह भी मिले, ठीक है। एंड गाइज मैंने ना इस फार्म में छोटा सा मिस्टेक कर दिया और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ना मैंने ब्लॉक से इसे कवर नहीं किया था। अगर मैं इसे ब्लॉक से कवर नहीं करूँगा तो फिर ये जो है इधर उधर मतलब नीचे गिर सकता है, इसलिए इसे ब्लॉक से कवर ज़रूर कर देना है। एंड बस हमारा ये जो फार्म है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो बस हमें यहाँ का ये जो लीवर है इसे ऑन कर देना है एंड ऊपर जाकर ऊपर का लीवर ऑन कर देना है, बस हमारा फार्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप लूटिंग का स्वॉट पकड़ते हो तो उससे ज़्यादा लूट मिल सकता है। ओके तो बस हमें यहाँ पर AFK होकर वेट करना है एंड हमें काफ़ी सारा लूट मिल जाएगा। एंड अपना जो गेम मोड है उसे ना आप हार्ड पे सेट कर लेना, वरना फिर आपको टोटम ऑफ अंडाइंग नहीं मिलेगा। तो बस हार्ड मोड में सेट करके बस यहाँ पर AFK हो जाना है आपको। तो गाइस 10 मिनट के AFK होने के बाद देखते हैं हमें कितना ज़्यादा लूट मिला है। ओके तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमें टोटल 5 टोटेम ऑफ अंडा ही मिला है एंड काफ़ी सारे एमरल्ड है, उसके अलावा काफ़ी सारे बुक्स वगैरह भी नहीं, बुक्स एक ही मिला है। खैर कोई बात नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा लूट मिलता है एंड इसमें भी गाइस काफ़ी सारे टोटेम ऑफ अंडाइंग है, मतलब आप समझ ही सकते होगे कि ये माइनक्राफ्ट का बेस्ट एक्सपी फार्म क्यों है। तो चलो गाइज आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो आकर लाइक कर दो, एम करते हैं ओनली 20 लाइक्स के लिए, तो ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है तो प्लीज़ कंप्लीट कर दो। एंड जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।